नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हाथरस रंगारंग कार्यक्रम का सभासद अभिषेक राज ने किया शुभारंभ। जनपद हाथरस आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में समाज के लोगों द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम के तहत नदिया बेलनशाह स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर पर आयोजित कार्यक्रम का सभासद अभिषेक राज व शोभा यात्रा अध्यक्ष शुभम खरे ने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण व आरती करके शुभारंभ किया था। बाद में हलवे का भोग लगाकर प्रसादी भी वितरित की थी। सभासद अभिषेक राज ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को शिक्षित बनने के लिए प्रेरित किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान ब्रज लाल व शंकर लाल ने की थी और संचालन सुनील बेनवाल ने किया था। कार्यक्रम संयोजक हृदय चौटाला के नेतृत्व में बच्चों ने भक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी थी। विजयी बच्चों को हृदय चौटाला ने सम्मानित किया था। इस मौके पर सोहन लाल, उपाध्यक्ष अंकित, कोषाध्यक्ष विशाल चौहान, महामंत्री अनिकेत, नरेश बेनवाल, विशाल चौहान, सिमसन सुभाष, विकास मास्टर, बॉबी चौहान, दिलीप कुमार, अर्जुन वाल्मीकि, सुरजीत सिंह आदि मौजूद थे। हाथरस से संवाददाता पवन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।